आर्मी एयरफोर्स की कैंटीन में सस्ते दामों में सामान दिलाने के नाम पर ठगी। बोरीवली साइबर पुलिस ने किया गिरफ्तार, अब तक 56 लोगों को बना चुका है शिकार। मुंबई उपनगर की बोरीवली पुलिस स्टेशन के साइबर सेल के अधिकारियों ने कथित आर्मी एयरफोर्स के जवान को गिरफ्तार किया है, जो फेसबुक पर दीपक सुरवे के नाम से आर्मी और एयरफोर्स की आईडी लगाकर पहले लोगों से दोस्ती बढ़ाता था। बाद में आर्मी की कैंटीन से सस्ते और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करता था। साइबर पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी ने अब तक 56 लोगों को फेसबुक पर फेक आईडी दिखाकर उन्हें अपना शिकार बना लिया है। पुलिस ने आरोपी विनोद गायकवाड़ को नई मुंबई के येलापुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से फेक आर्मी और एयरफोर्स का पट्टा और आईडी कार्ड सहित 12 अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड और 2 मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं। एक शिकायतकर्ता ने बोरीवली में इस पूरी जानकारी की शिकायत दर्ज कराई। उसने सुरवे के नाम की आर्मी और एयरफोर्स का अधिकारी बनाकर कैंटीन से सस्ता और अच्छा सामान दिलाने के नाम पर फेसबुक पे रिक्वेस्ट किया। इसके बाद इस पूरे खेल का भंडाफोड़ हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, समय नेशनल, मुंबई। मैं पुलिस इंस्पेक्टर विजय माड़ी, बोरीवली पुलिस स्टेशन। हमारे पास 31 जनवरी को एक तकरारदार आए, उन्होंने ऐसी तकरार की कि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक उन्हें एक व्यक्ति ने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट इन्होंने एक्सेप्ट की। एक्सेप्ट करने के बाद सामने वाले व्यक्ति ने इन्हें कहा कि वो नेवी के अफसर है और नेवी में जो कैंटीन है, मतलब वहाँ पे ब्रांडेड सभी चीज़ें मिलती है, तो वो चीज़ें मैं आपको कम दाम में दे दूँगा करके। मतलब कोई टीवी है, फ्रिज है, उसका कीमत समझो लाख के आसपास है, तो उसको 30% 40% डिस्काउंट पे मैं आपको दे दूंगा। तो ये जो तकरारदार है, ये इनके झांचे में आ गए। ये व्यक्ति ने उन्हें बोला कि आप 40,000 भरिए करके, आपको जो चीज़ चाहिए मैं दे देता हूँ। इन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उसके साथ किया, उसको 40,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। ये जो तकरारदार है, बार बार उसे फ़ोन करके फ्रिज के जो चीज़ खरीदने उसके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन सामने वाले से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उसने अपना नंबर भी बंद करके डाला, तो इनको लगा कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, और इन्होंने फिर बोरीवली पुलिस थाने में आके तकरार की। ये आरोपी को पकड़ने में और पूरा जांच करने में मेरे बोरीवली पुलिस थाने के PSI कल्याण पाटिल है, कि जो साइबर गुन्हे प्रकटीकरण अधिकारी है, ये आपको जांच के बारे में ज़्यादा मालूम दे देंगे। इंस्पेक्टर कल्याण पाटिल, बोरीवली पुलिस चौकी। जो कि हमारे यहाँ पे मामला दर्ज था, जिसमें हमने इन्वेस्टिगेशन किया, तो उसमें ऐसा पता चला कि ये जो आरोपी है, ये बार बार लोगों को अलग अलग नाम से फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजता था, और जहाँ पे वो बोलता था लोगों की मैं आर्मी में हूँ, नेवी में हूँ, एयरफोर्स में हूँ, या CISF के जवान हूँ, ऐसा करके वो लोगों को झांसा देता था और बोलता था कि मैं आपको कम कीमत में अच्छी चीज़ दिला दूँगा। तो इसके वजह से लोग उनको पैसा देते थे। उसके बाद में वो एक बार पैसा लेने के बाद वो नंबर बंद कर देता था और दोबारा दूसरा नंबर लेता था। तो हमने जब इन्वेस्टिगेशन में पाया कि उसका लोकेशन नई मुंबई तरफ आ रहा था, तो हमने उस पर ज़रा ध्यान दिया, विश्लेषण किया, तो हमको पता चला कि आज आरोपी का लोकेशन यहाँ CBD बेलापुर नई मुंबई में है। तो वहाँ पर जाके हमने हमारा साइबर टीम लेके साथ में गए। उसके बाद में आरोपी इसम हमको वहाँ पर 100 मीटर के दायरे में हमने जब इंक्वायरी किया तो वहाँ पर हमको दिखा। तो उसके बाद में हमने उसको वहीं से ताबे में लिया, बोरीवली पुलिस चौकी लाया, और उसका इन्वेस्टिगेशन किया। तो उसने वो सब चीज़ें बोली कि ऐसा हुआ है, और जब हमने उसको पाया तो उसके गले में एक आर्मी का, नेवी, इंडियन नेवी का